तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सिगाटेरा एक जगह पर खड़ा होता है, तभी सासामुटा और लियोन उसके पास आते हैं और उसकी ओर हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, हमारे साथ हाथ मिला लो और फिर तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो उस चीज को ढूंढने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में गेम के अंदर सिगाटेरा अपने शैडो प्रिजन से आजाद हो चुका होता है और अब वह इची के साथ फाइट करने लगता है दूसरी ओर रियल वर्ल्ड में। इची के फादर कामुरो के साथ मिलकर ब्लैकबर्ड के कोर एआई को इरेज कर रहे होते हैं और उन्होंने 4 में से 3 एआई को अब तक इरेज कर दिया होता है और यह सब करने के बाद इची के फादर काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और अब इची के फादर की हालत वहां पर खराब होने लगती है, जो देखते ही कामुरो उसके पास आते हुए बोलती है, आप अपने लिमिट तक पहुंच चुके हैं तो आपको अब यहां पर आराम करना चाहिए। तभी इची के फादर बोलते हैं, अभी भी यहां पर एक लास्ट एआई बचा हुआ है, तो जब तक मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं शांति से नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर उस लास्ट एआई को जल्द से जल्द नहीं मारा गया तो ब्लैकबर्ड की पावर बढ़ना रुकेगी नहीं और फिर ब्लैकबर्ड सभी प्लेयर्स के लिए खतरा साबित हो सकता है। पर उसकी बॉडी में बिल्कुल भी पावर बची हुई नहीं होती है, इसीलिए वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर गेम के अंदर सिगाटेरा इची को हराने के बाद काफी तेजी से पीको को रोकने के लिए भागता है, पर जैसे ही वह केबिन में पहुंचता है वह देखता है कि पीको उस जगह पर नहीं होती है। यह देखकर वह बोलने लगता है, शायद से पीको लॉग आउट करके गेम से बाहर चली गई है, तो अब मेरा रास्ता क्लियर है। तभी वहां पर सासामुटा आते हुए बोलता है, क्या पता शिरो ने उसे मार दिया हो। यह सुनते ही सिगाटेरा काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि शिरो इस जगह पर मौजूद है? सासामुटा बोलता है, हाँ शायद से ऐसा हो सकता है। यह सुनते ही सिगाटेरा बोलता है, तब मुझे जल्द से जल्द शिरो को भी ढूंढकर उसे ठिकाने लगाना होगा, वरना वह मेरे लिए खतरा साबित हो सकता है। पर उसे शिरो कहीं भी सेंस नहीं होता है, इसीलिए वह वापस से इची के पास आते हुए बोलता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा उछल रहे थे, पर तुम सच में काफी ज्यादा कमजोर निकले, तो जल्दी से गायब होकर लोबी में पहुंच जाओ। इस गिल्ड वेपन की वजह से अभी मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ और यहाँ पर मेरा सामना अभी इस वक्त कोई भी नहीं कर सकता है। दूसरी ओर इची गेम खेलते हुए रो रहा होता है और अब वह बोलता है, सिगाटेरा मैं चाहता हूँ कि तुम यह गेम खेलना कभी ना छोड़ो। ब्लैकबर्ड को मारने के बाद तुम्हें 300 मिलियन येन मिल जाएंगे, जिसकी मदद से तुम पूरी लाइफ ऐश मौज करते हुए यह गेम खेल सकते हो, तो प्लीज मेरा इंतजार करना, मैं गेम में वापस लौटूंगा और अपना एक गिल्ड और अपना गिल्ड वेपन बनाऊंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करूंगा। यह सुनते ही सिगाटेरा वहां पर हंसने लगता है और बोलता है, सपने मत देखो। और अब इची की बॉडी वहां से गायब होकर लोबी में पहुंच जाती है। अब इची के वहां से जाने के बाद सिगाटेरा बोलता है, लियोन तुमने मुझसे जैसा करने के लिए कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, तो अभी के अभी यहां पर ब्लैकबर्ड को समन करो, जिसे मार कर 300 मिलियन येन लेकर मैं इस गेम से बाहर निकल सकूं, क्योंकि मैं यह बेकार गेम खेलते खेलते बोर हो चुका हूं। तभी लियोन हंसने लगता है और अब उनके चारों ओर कई सारे काले पंख उड़ने लगते हैं। तभी सासामुटा बोलता है, जैसा हमने प्रॉमिस किया था हमने यहाँ पर ब्लैकबर्ड को समन कर दिया है, तो संभल कर रहना क्योंकि ब्लैकबर्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब सिगाटेरा वहां पर फाइट के लिए तैयार हो जाता है, पर जैसे ही उसके सामने ब्लैकबर्ड आता है उसे देखते ही सिगाटेरा की हालत खराब हो जाती है। अब सिगाटेरा हंसते हुए बोलता है, मैं पिछले 2.5 सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था और यह देखने में कितना ज्यादा खूबसूरत है, तो फाइनली इसे मारकर मुझे 300 मिलियन येन मिलने वाले हैं। दूसरी ओर रियल वर्ल्ड में इची का फादर इची और आसुमा के लिए परेशान हो रहा होता है। तभी कुरामो बोलती है, आप उन सभी के बारे में सोचना बंद कीजिए और अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको चौथे एआई को भी अभी डिस्ट्रॉय करना है। दूसरी ओर गेम के अंदर ब्लैकबर्ड के चारों ओर कई सारे रोबोट्स आ जाते हैं, जो देखते ही सिगाटेरा बोलता है, आखिर यह कौन है? तभी सासामुटा उसे बताता है कि यह प्लैनेट गेम के ब्लड सेल्स है और जब भी यह प्लेनेट गेम के अंदर किसी वायरस या फिर ज्यादा पावरफुल चीज को सेंस करते हैं, यह अपने आप ही उसे इरेज करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। अब वह सभी एआई ब्लड सेल ब्लैकबर्ड को गायब करने की कोशिश करते हैं, पर ब्लैकबर्ड बस कुछ बोलकर ही उन्हें इरेज कर देता है। और अब ब्लैकबर्ड काफी तेजी से सासामुटा के सामने आते हुए उससे पीको के बारे में पूछता है। तभी लियोन उसे बताता है कि तुमने यहाँ पर आने में देर कर दी, अब पीको हमारे बीच नहीं रही। तभी सिगाटेरा काफी तेजी से ब्लैकबर्ड पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी ब्लैकबर्ड काफी तेजी से सिगाटेरा के पीछे आ जाता है और अब वह सिगाटेरा को अपने साथ पकड़ते हुए उस फ्लाइंग शिप से नीचे कूद जाता है। अब ब्लैकबर्ड को अपने इतने ज्यादा पास देखकर सिगाटेरा काफी ज्यादा डर चुका होता है, वहीं पर अब उसकी हालत खराब हो रही होती है और अब वह लॉग आउट करके गेम से बाहर निकल जाता है। अब उसके सर से उसका वीआर सेट नीचे गिर जाता है और अब वह बोलने लगता है, आखिर वह चीज थी क्या और आखिर उसे इतना ज्यादा डरावना बनाया किसने?
और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वह ब्लैकबर्ड मेरी रियल बॉडी को टच कर रहा हो। यह फीलिंग सच में बहुत ही ज्यादा अजीब थी। और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, यह गेम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर मुझे 300 मिलियन येन चाहिए, इसीलिए मैं इस गेम को दोबारा से खेलूंगा। तभी उसे फील होता है कि उसके कमरे में कोई मौजूद है, पर वह उन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए वापस से गेम के अंदर लॉगिन करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रियल वर्ल्ड में सेगा टेरा के पीछे ब्लैकबर्ड खड़ा होता है। दूसरी ओर इची के फादर कुरामो को बता रहे होते हैं कि ब्लैकबर्ड एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इवल एआई है जिसे मैंने पता नहीं क्यों बनाया। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, वह कोई एआई नहीं बल्कि एक कंप्यूटर वायरस है, एक ऐसा वायरस जो इंसान के दिमाग के साथ खेल सकता है। दूसरी ओर सेगा टेरा की नजर अपने कमरे में मौजूद ब्लैकबर्ड पर पड़ती है, जिसे देखते ही वह डर जाता है। तभी ब्लैकबर्ड उसके सामने से गायब हो जाता है। अब सेगा टेरा बोलने लगता है, मैं पिछले 3 दिनों से नहीं सोया हूँ, शायद से इसीलिए यह सभी चीजें मेरे साथ हो रही है। खैर छोड़ो, मुझे ब्लैकबर्ड को मारकर 300 मिलियन येन चाहिए। यह बोलते हुए वह जैसे ही अपना हेडसेट पहनकर लॉगिन करने की कोशिश करता है, वह देखता है कि उसका वीआर हेडसेट काम नहीं कर रहा होता है। और अब यह देखकर वह सोचने लगता है, शायद से जब मैंने डरकर इसे अपने से दूर फेंका था तब यह गिरकर टूट गया। और अब वह खड़ा होते हुए पैसे लेकर एक नया वीआर सेट खरीदने के लिए जाने लगता है। अब दिखाया जाता है कि सेगा टेरा एक रेड लाइट के पास खड़ा होता है, और अब वह जैसे ही रोड पार करने जा रहा होता है उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसका टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। पर वह उस मैसेज को इग्नोर कर देता है और रोड पार करने लगता है। और अब एक ट्रक काफी तेजी से आते हुए सेगा टेरा को उड़ा देता है, जिससे सेगा टेरा के शरीर की सभी हड्डियां टूट जाती है। और अब वह दर्द से चिल्लाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती है। अभी वह अपने चारों ओर खड़े कई सारे ब्लैकबर्ड्स को देखता है, और अब वह चिल्लाते हुए आपस से अपने कमरे के अंदर उठता है। और अब वह सोचने लगता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा था। तभी उसके पास दोबारा से वही मैसेज आता है, और अब वह देखता है कि उसके घर में एक जगह पर आग लगी होती है, जिसे देखते ही वह उस आग को बुझाने की कोशिश करता है। पर देखते ही देखते वह आग उसके पूरे घर में फैल जाती है, जो देखते ही वह दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करता है, पर उसका दरवाजा लॉक हो चुका होता है। और अब वह अपने कमरे में ही आग में जलकर मर जाता है। और तभी वह दोबारा से चिल्लाते हुए अपने कंप्यूटर चेयर पर उठता है। वहीं पर अब उसकी हालत खराब हो चुकी होती है और उसकी बॉडी कांप रही होती है। तभी वह अपने सामने एक पर्सन को खड़ा देखता है, जिसे देखते ही वह सोचने लगता है, यह तो मेरा पड़ोसी है जो दिन भर घर में सोता रहता है। तभी उसके सामने खड़ा पर्सन अपने हाथ में मौजूद एक चाकू को सेगा टेरा के सर में मार देता है और बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हो और मुझे सोने नहीं देते, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर फाइनली शांत कर दिया। और तभी दोबारा से सेगा टेरा चिल्लाते हुए अपने कंप्यूटर चेयर पर उठता है। और अब एक के बाद एक लगातार सेगा टेरा के पास वह मैसेज आते चले जाते हैं, और वह लगातार अलग अलग तरीकों से मरे चला जा रहा होता है। वहीं पर वह उन सभी डर और दर्द को महसूस कर पा रहा होता है। और अब 288 बार अलग अलग तरीकों से मरने के बाद सेगा टेरा का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह सच में मर जाता है। दूसरी ओर लियोन गेम के अंदर सासामुटा के साथ बैठे हुए बोल रहा होता है, जैसे ही ब्लैकबर्ड किसी पर्सन को टच करता है वह सीधा उसके ब्रेन के अंदर एंटर कर जाता है, और फिर वह जैसे चाहे वैसे उस पर्सन के ब्रेन के साथ खेल सकता है। वह उस पर्सन को अपनी बनाई गई एक वर्चुअल रियलिटी में लेकर जाता है, जहां पर वह उस पर्सन के साथ जो चाहे वह कर सकता है। और फिर वह अपनी बनाई गई वर्चुअल रियलिटी में उस पर्सन को तब तक मारता है जब तक वह पर्सन रियल लाइफ में मर नहीं जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि असली सेगा टेरा की बॉडी अभी भी अपने कंप्यूटर चेयर पर बैठी हुई होती है, वहीं पर वह वीआर हेडसेट अभी भी उसके चेहरे पर लगा हुआ होता है। और अब तक उसके साथ जो भी कुछ हुआ, ब्लैकबर्ड उसे वह सभी चीजें दिखा रहा था। ब्लैकबर्ड ने सेगा टेरा को इतनी बार मौत को एक्सपीरियंस करवाया कि वह रियल लाइफ में भी मर गया। दूसरी ओर इची के फादर चिल्लाते हुए उठकर खड़े होते हैं और बोलते हैं, आखिर मैं कितनी देर से सो रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द ब्लैकबर्ड को इरेज करना है, क्योंकि अगर मैंने जल्द ही ऐसा नहीं किया तो वह यह गेम खेलने वाले सभी लोगों को इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद उन सभी लोगों को कोई भी नहीं बचा पाएगा और एक एक करके वह सभी लोग मारे जाएंगे। पर तभी वह नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर सासामुटा से लियोन बोल रहा होता है, आखिर ब्लैकबर्ड कहाँ है। तभी सासामुटा उसे बताता है कि सेगा टेरा को मारने के बाद ब्लैकबर्ड को शांति मिल गई, इसीलिए अब वह शायद से कहीं चला गया है। वैसे सच कहूं तो मुझे सेगा टेरा के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लियोन बोलता है, तुम्हें उस जैसे इंसान के लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं, वह एक लालची इंसान था जो यही गेम खेलकर पैसे कमाना चाहता था, पर वह हर टाइम इसी गेम को बुरा भला बोलता रहता था।
असामुडा बोलता है पर मुझे नहीं लगता कि इतनी सी गलती के लिए उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए थी। लियोन बोलता है तुम आखिर मुझसे यह सवाल क्यों पूछ रहे हो, मैंने उसे नहीं मारा, उसने खुद मौत को चैलेंज किया था इसीलिए वह मारा गया। यह सुनते ही सासामुटा बोलता है तुम अगर यहाँ पर यह बात बोल रहे हो तो यह बात सही ही होगी। अभी लियोन बोलता है सासामुटा तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, रियल वर्ल्ड और गेमिंग वर्ल्ड के बीच जो बॉर्डर मौजूद है मैं उसे तोड़ कर रियल वर्ल्ड और गेमिंग वर्ल्ड को एक ही बना दूंगा और अब ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। अब हमें लोबी में मौजूद लोगों को दिखाया जाता है जो आपस में पायरेट्स गिल्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं पर वह बोल रहे होते हैं कि किस तरह पीको ने अपनी कैप्टनशिप सिगाटेरा को दे दी और फिर सिगाटेरा ने उसे किकआउट करके गेम से बाहर निकाल दिया। वहीं पर वह सभी लोग पीको के बारे में बुरा भला बोलते हुए उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी उस जगह से ईची गुजरता है और अब यह सब सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में एक पर्सन पर अटैक करते हुए उसे मार देता है। वहीं पर ईची गेम के अंदर पीको की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है पर पीको नाम का कोई भी कैरेक्टर उसे गेम में नहीं मिलता है, जो देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में अपने वीआर सेट को खुद से दूर फेंकते हुए अपने कमरे से बाहर आता है और अब वह वहां पर बैठकर रोने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है आज इस गेम के अंदर मौजूद हर एक पर्सन पीको से नफरत करता है पर यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है क्योंकि पीको ने सब कुछ उसके लिए किया। पर अचानक से पीको गायब कहाँ हो गई और अब जब वह गेम के अंदर पीको को सर्च नहीं कर पा रहा है तब उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है और अब उसका यह गेम खेलने का मन भी नहीं कर रहा। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई अपने हाथ में रॉड लिए ईची की ओर आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पर बैठा ईची रो रहा होता है। तभी वह पर्सन ईची के पास आते हुए उसे गले लगाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि यह ईची की मदर होती है जो ईची से बोलती है तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो, मैं वापस से घर आ चुकी हूँ। अब अपनी मदर को देखकर ईची को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद ईची की मदर पूरे के पूरे घर को साफ करती है और वहां पर ईची के लिए खाना बनाने लगती है। वहीं पर ईची बोल रहा होता है मदर आखिर आप रह कहां रही हो। ईची की मदर उसे बताती है कि वह अभी एक नेट कैफे में काम करती है और वहीं पर रहती भी है, जो सुनकर ईची को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी उसकी मदर उसे उसका वीआर हेडसेट देते हुए बोलती है जब मैं घर की ओर आ रही थी तब यह तुम्हारे खिड़की से उड़ता हुआ मेरे पास आकर गिरा, तो क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। ईची बोलता है मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं। ईची की मदर उसे समझाते हुए बोलती है सब कुछ ठीक हो जाए और अब ईची की मदर उसे खाना खिलाकर वापस से अपने काम पर जाने लगती है। तभी ईची बोलता है मदर आप दोबारा से मुझसे मिलने कब आएंगी। उसकी मदर बोलती है मैं हर फ्राइडे तुमसे मिलने के लिए आती हूँ तो मैं अगली बार भी दोबारा से फ्राइडे को ही आऊंगी, तो मेरी ओर से आसुमा को हाय बोलना। अब यहाँ सुनते ही ईची अपनी मदर को बताता है कि आसुमा अभी हॉस्पिटल में है, जो सुनते ही उसकी मदर परेशान हो जाती है और अब वह पूछती है कि आखिर आसुमा किस हॉस्पिटल में मौजूद है क्योंकि अभी वह उससे मिलने के लिए जा रही है। यह सुनते ही ईची बोलता है मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब वह दोनों हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वहीं पर ईची अपनी मदर को समझाते हुए बोल रहा होता है आपको उसके लिए ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उसे बस हल्का सा करंट लगा था जिस वजह से वह बेहोश हो गया था, तो अब वह बिल्कुल ठीक है। अब वह दोनों जैसे ही आसुमा के कमरे का दरवाजा खोलते हैं वह देखते हैं कि पूरे कमरे में चारों ओर सफेद पंख उड़ रहे होते हैं। वहीं पर आसुमा अपने बेड पर बैठा हुआ होता है और उसके दोनों आंखों से खून निकल रहा होता है। यह देखते ही उसकी मदर काफी ज्यादा डर जाती है और उन्हें एक फ्लैशबैक याद आने लगता है और अब वह चिल्लाते हुए वहां से भागने लगती है। दूसरी ओर ईची चिल्लाते हुए डॉक्टर को बुलाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।